नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज है, टीजीटी की एक बम्पर भर्ती निकल चुकी है। ये भर्ती आई है राजस्थान से और राजस्थान से 8 विषयों की बम्पर भर्ती निकली है। आरपीएससी ने विज्ञापन जारी किया है। आपको इस वीडियो में इस विज्ञापन के बारे में और पदों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहें और पूरी जानकारी जो है आपको इसी एक वीडियो में मिलेगी। दोस्तों ये विज्ञापन आज ही जारी हुआ है और 5 अप्रैल की डेट यहाँ पे देख सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक की वैकेंसी निकाली गई है। अंग्रेजी में कुल पदों की संख्या 1668 है और यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी निकलती है क्षेत्र के हिसाब से निकलती है। सामान्य क्षेत्र, TSP क्षेत्र और शहरीय क्षेत्र, सबकी अलग अलग वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर में भी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसमें महिलाओं की और विधवा की सीटें अलग अलग होती है, तो इसमें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल देखा जाएगा तो सैनिक, भूतपूर्व सैनिक जो होते हैं उनकी सीटें अलग होती हैं, उनका बैकलॉग भी कुछ होता है। और इसमें इंग्लिश में 1668 पद हैं, हिंदी में 1298 पद हैं, गणित में कुल 1613 पद हैं, संस्कृत में 1800 पद आपको दिख रहे हैं। संस्कृत में 1800 पद के बाद विज्ञान में कुल 1565 पद हैं, सामाजिक विज्ञान में 1640 पद हैं, पंजाबी विषय में 70 पद हैं और उर्दू विषय में 106 पद हैं। जब आप इसमें अप्लाई करेंगे आपको प्रेफरेंस भरनी होती है कि सामान्य क्षेत्र में जाना है, आपको TSP में जाना है या फिर शहरी में जाना है, उसी प्रेफरेंस के अनुसार आपको यहाँ पे नौकरी मिलती है। शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी विषय के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, और या तो डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, यानी कि BEd होना चाहिए या DLed होना चाहिए, ठीक है। और विज्ञान विषय के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और सब्जेक्ट जो दिया गया है इनमें से कोई एक होना चाहिए, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की डिग्री होनी चाहिए, प्लस BEd और DLed होना चाहिए। इसके बाद सामाजिक विषय के लिए दिया गया है कोई दो विषय होने चाहिए जो कॉम्बिनेशन आपका बनाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी और BEd। तो ये इस तरह के जो क्वालिफिकेशन है जिनके पास है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ग्रेड पे की बात करें तो 4200 की ग्रेड पे आपको यहाँ पे मिलने वाली है। पे मैट्रिक्स लेवल 2 की पे होगी। 1 जनवरी 2023 से आयु की गणना होगी, 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो राजस्थान की कैटेगरीज हैं उनके लिए केवल रिजर्वेशन दिया गया है, और जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अगर SC ST OBC या फिर महिला होंगे तो उनको किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं इसमें पेपर कैसा होगा और अन्य चीज़ें। देखिए इसमें प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन आपका किया जाएगा। और परीक्षा की योजना के बारे में यहाँ पे बात करें तो जो परीक्षा की जो अवधि होगी वो जो है इसमें दो पेपर होते हैं, अभी उसकी डिटेल्स में दिखाते हैं। आवेदन की जो है यहाँ पे अंतिम तिथि दी गई है वो 10 मई 2022 दिया गया है, रात में 12 बजे तक, और 11 अप्रैल से ये आवेदन शुरू हो जाएगा। ये वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट में से किसी भी एक वेबसाइट से जाके आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस की, स्कीम क्या रहेगी। एक पेपर 1 होगा आपका 200 नंबर का, पेपर 2 होगा 300 नंबर का, कुल जो ये होगा पेपर 500 नंबर का होगा। तो इसमें पेपर 1 में क्या आता है, जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, करंट अफेयर राजस्थान की और जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये 4 विषय होंगे जो 200 नंबर के आएंगे, इसकी तैयारी आपको करनी होगी। इसके बाद एक जो है तीसरा जो आएगा, दूसरा पेपर जो आएगा उसमें 150 प्रश्न होंगे
और इन 150 प्रश्नों में आपके जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं के प्रश्न इसमें होंगे। अच्छा, 40% नंबर आपको यहाँ पर स्कोर करना है, 40% मिनिमम की बात कर रहे हैं, वैसे मैक्सिमम ज़्यादा लोग लेकर आते हैं तभी सिलेक्शन होता है। 40% नंबर आपको दोनों में लाना होगा। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40% मतलब 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही होने चाहिए। यहाँ पे 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40% मतलब 60 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सही होने गए, तभी आप कंपटीशन में रहेंगे। कंपटीशन में रहेंगे इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट में शामिल हो सकते हैं अगर आपके इतने नंबर आएंगे, अदरवाइज आप कंपटीशन से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। और एक चीज़ और बता दें आपको, इसमें जो है माइनस मार्किंग के बारे में बता दें, तो माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है इसमें, और ये जो है आपको जो है 1/3 की माइनस मार्किंग इसमें लागू की गई है, यानी कि 3 गलत करने पर 1 सही प्रश्न भी आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो ये है। और परीक्षा शुल्क के बारे में बता दें आपको, 350 रुपये सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए है, और राजस्थान के नान क्रीमी अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए EWS के लिए 250 रुपये है, 350 तो हो गया ये। और निःशक्त राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है उनके लिए 150 रुपये है। TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी यहाँ पे 150 रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे आगे दिया गया है, राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। तो जो अभी मैंने आपको पहले बोला वो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी राज्य के हैं आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी में ही सभी लोग आएंगे। स्पेशली हिंदी भाषी के भाषी राज्यों के छात्र इसमें अप्लाई करते हैं, जैसे कि दिल्ली के, यूपी के, बिहार के, MP के, इन राज्यों के छात्र इसमें अप्लाई करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य राज्य भी हैं जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है, जैसे कि उत्तराखंड है, वहाँ के लोग भी इसमें अप्लाई करते हैं। तो आपका देखिए, आपका सब्जेक्ट तो यहाँ पे जो 300 नंबर का है वो तो सभी राज्यों में एक जैसा ही होता है, आपको जो एडिशनल पढ़ना है थोड़ा सा यहाँ पे राजस्थान के बारे में पढ़ना है, तो राजस्थान के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो जो भी छात्र ये वीडियो देख रहे हों, चाहे वो राजस्थान के हों या अन्य किसी राज्य के हों, और आप इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो जो विषय है इसकी क्लासेस तो हमारे मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है, CP स्मार्ट क्लासेस का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसका कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और इसकी जो फर्स्ट पेपर की क्लास है वो क्लास अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, 10 लोग भी कमेंट करेंगे तो मैं इसकी क्लास शुरू कर दूँगा। इस सेकेंड पेपर की क्लास तो है हमारे पास, वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट कुछ नई जानकारी के साथ, बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस का। धन्यवाद।